नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को एक और केस में तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। जाति उम्रा में 1500 केनाल नाराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब किया गया है। मजीद तफसीलात साउथ बट से जान लेते हैं। साउथ, बताइएगा, मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब किया गया है? आज बिल्कुल नैब लाहौर ने एक ही दिन में मरियम नवाज की दो तलबियां कर ली हैं। गुज़िश्ता रोज उनको चौधरी शुभमन केस का तलबी का समन भेजा गया था और आज उनको जाति उम्रा अराजी केस के अंदर जो तलबी का समन है वो भिजवा दिया गया है। 26 मार्च को ही मरियम नवाज को दोनों केसेस में तलब किया गया है और कहा गया है कि आप जाति उम्रा में जो मुबैना तौर पर 1500 कनाल अराजी की गैर कानूनी मुंतकली की गई उसका रिकॉर्ड पेश करें। 2013 में शरीफ फैमिली में तकरीबन 3500 कनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। नैबरा के मुताबिक 2015 में उस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर नूरुद्दीन मेंगर और DPLD आ खान चीमा ने मुबैना तौर पर लाहौर का मास्टर प्लान तब्दील किया ताकि रायरंग के मुख्तलिफ मौजाजात के एरियाज को ग्रीन लैंड करार दिया जाए और वहां पर हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर पाबंदी हो। हाउसिंग सोसाइटीज पर पाबंदी ऐड करते हुए इस अराजी को मुबैना तौर पर मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के नाम पर मुंतकली के लिए कारसाज माहौल बनाया गया। इस हवाले से मरियम नवाज से कहा गया है कि तमाम तर जो आपने अराजी की जी साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।